वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? आप सब स्वागत है आप सबका आज के सेशन में चैप्टर हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और लास्ट क्लास में जहां तक हमें याद है हमने किया था भैया कॉन्सेप्ट नंबर नौ जिसमें हमने कहा था कि जो इंटरेस्ट की डेट से और की है कि जबकि नॉर्मली हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो लिखते हैं वहां पर सिर्फ आपका नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट आता है लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नंबर नाइन का प्रश्न हुआ तो उस में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के सामने इंटरेस्ट कॉलम में भी फिगर आएगी रीजन ये होता था कि इंटरेस्ट हो जाता था मान लीजिए इंटरेस्ट मिला 30 सितंबर को और हमारी बुक्स इन्वेस्टर की बुक्स क्लोज हो रही है इकतीस को तो जब इकतीस दिसंबर को मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला था से लेकर 31 बारह तक तीन महीने का इंटरेस्ट तो मेरा एप्रूव हो गया तो मैं उसको बाय डाउन करता हूं और अगला साल जब नया साल आता है, न्यू आता है तो हम उसमें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हुए वही चीजों को दर्शाते हैं तो ये इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात थी जिसको हमने सीखा था साथ में भी कहा था कि जब इंटरेस्ट मिलेगा जो इंटरेस्ट की डेट है अगर 30 सितंबर को मिला तो छह महीने बाद का दूसरा इंटरेस्ट कब आ रहा होगा इकतीस मार्च को तो जब बाय बैंक करोगे जब बाय बैंक करोगे उसमें पूरे छह महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ तीन का मिलेगा अरे मिलता तो इकट्ठा है सिर्फ तीन महीने का हमने ड्यू कर लिया था इतनी सी बात है तो दो प्रश्न जो होमवर्क में दिए थे उम्मीद करते हैं आप बच्चों ने क्योंकि फटाफट से उन दोनों प्रश्नों को चेक करेंगे और उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे FIBS वाला जो पोर्शन है वो आज खत्म हो जाएगा फिक्स इनकम स्क्रिप्ट और जो VIBS वाला पोर्शन है वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट उस वाले पोर्शन को आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे आज दोस्तों मित्रों रेट किस बात की है देर किस बात की है आलो काका आलो काका जी तो प्रश्न नंबर पांच और प्रश्न नंबर छह होमवर्क में दिए गए थे सबसे पहले जरा प्रश्न नंबर पांच को अपने समक्ष रखते हैं एग्जाम का प्रश्न था मिस्टर चतुर हैड फेस वैल्यू ऑफ उन्नति लिमिटेड एज करंट इन्वेस्टमेंट ठीक है हमारे पास हेडिंग हो गया लिखने के लिए देखिए जी बुक्स ऑफ मिस्टर चतुर जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्टिंग डेट है एक अप्रैल चौदह तो और क्लोजिंग इकतीस मार्च पंद्रह तो फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल फोर्टीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन और स्क्रिप्ट का नाम क्या है

पिछला इंटरेस्ट इकतीस दिसंबर को मिला था जबकि हमारा ब्रॉडाउन एक अप्रैल चौदह को है तो जनवरी फेबर मार्च तीन महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होगा जिसे मुझे यहां पर बुक करना है तो वर्किंग नोट नंबर वन हमारे सामने आ रहा है देखेंगे चार हजार डिवेंचर सौ रुपए का एक बारह परसेंट का इंटरेस्ट और तीन महीने का इकतीस दिसंबर को लास्ट मिला था से लेकर एक अप्रैल तक का तीन महीने हो गए बारह का अमाउंट आता है तो ये आपके वर्किंग नोट नंबर वन की वैल्यू आई इंटरेस्ट का अमाउंट उत्तर बारह हजार रुपए और इसकी वैल्यू कितनी आएगी क्वेश्चन कॉस्टिंग एट ईच चार हजार डिबेंचर है भाई एक की कॉस्ट नाइनटी एट तो टोटल हो गया थ्री लैख नाइनटी टू थाउजेंड ये लीजिए थ्री लैख नाइनटी टू थाउजेंड साथ चेक करते रहेंगे जो गलती है सही करते चले उसके बाद लिखा है एक जून 2014 को आपने परचेज किए 2000 हजार डिबेंचर और एट 120 कम इंटरेस्ट ठीक है तो एक जून 2014 पर आ गए एक जून 2014 पर आ गए टू बैंक परचेज 2000 हजार डिबेंचर यानी कि नॉमिनल वैल्यू हो गई दो लाख रुपए और इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं आइए वर्किंग नोट नंबर थ्री में 2000 हजार डिबेंचर है सौ रुपए का एक बारह प्रतिशत और कितने महीने का इंटरेस्ट लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था 31 दिसंबर को से लेकर जन फेब मार्च अप्रैल में क्योंकि ट्रांजैक्शन है एक जून के तो भाई पांच महीने का इंटरेस्ट हो गया तो ये अमाउंट आ गया दस हजार रुपए यह अमाउंट आ गया दस हजार रुपए जिसे हमने यहां पर जाकर भर दिया वर्किंग नोट नंबर थ्री उसके बाद जो आपने परचेज किया उसके लिए एक पर डिबेंचर दिए कम इंटरेस्ट के हिसाब से और क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है ही इनकर्ड टू परसेंट ब्रोकरेज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन हम जानते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस परचेज के समय पर एड होता है और ब्रोकरेज कितनी वैल्यू पर आएगी परसेंटेज है किस वैल्यू पर आएगा जो ट्रांजेक्शन वाली वैल्यू होती है आइए देखते हैं आपने दो डिबेंचर लिए एक सौ बीस रुपए के ये कम इंटरेस्ट हो गया दो लाख चालीस हजार कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है तो इंटरेस्ट का पैसा माइनस कीजिए कितना ये वाला टेन थाउजेंड रुपीज अभी अभी हमने कंप्यूट किया था और ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी दो लाख चालीस हजार जो ट्रांजेक्शन का प्राइस है उसका दो प्रतिशत यानी कि फोर्टी एट हंड्रेड और ये आ गया जी टू लैख थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो इतना रुपया आपका अमाउंट कॉलम में कॉस्ट कॉलम में बेसिकली जा रहा है टू लैख थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपी शुड बी कंप्लीटली ओके विद ऑल द स्टूडेंट उसके बाद तारीख लिखी है एक सितंबर लेकिन हमें ध्यान रखना है बीच में तीस जून आ रही है इंटरेस्ट की तो तीस जून दो हजार चौदह को हम कह रहे हैं बाय बैंक इंटरेस्ट पैसा मिलेगा आपके पास ओपनिंग में थे डिबेंचर चार लाख और आपने परचेज और किए दो लाख के तो टोटल छह लाख रुपए के डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट जो है मिलने वाला है ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर पांच देख सकते हैं छह हजार डिबेंचर सौ रुपए का एक बारह प्रतिशत तो और कितने महीने का इंटरेस्ट छ महीने का क्योंकि साल में दो बार मिलता है हाफ ईयरली करते हुए तो थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपी का इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपी के इंटरेस्ट का अमाउंट जो है यहां पर क्रेडिट कर दिया गया इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंटरेस्ट कॉलम में ठीक हुई बात आगे सेप्टंबर सितंबर 2014 को लिखा है सोल्ड 3000 थाउजेंडिट एक सौ दस कम इंटरेस्ट ठीक है जी बाय बैंक सेल की की एंट्री आ रही है कितने 3000 एक डिबेंचर 100 का तो वैल्यू होगी बेटा 3 लाख जब सेल किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टी से एक सितंबर की ट्रांजेक्शन है लास्ट इंटरेस्ट था तीस जून को तो जुलाई महीने का अगस्त महीने का सेप्टंबर का नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट डेट को ही ट्रांजेक्शन हो गई तो तीन लाख रुपए यानी कि तीन डिबेंचर सौ रुपए का एक तीन लाख रुपए की फेस वैल्यू बारह प्रतिशत और जुलाई और अगस्त दो महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा छे हजार रुपए का इंटरेस्ट यू विल रिसीव जिसे जाकर हमने यहां पर भर दिया इंटरेस्ट कॉलम में सेल की ट्रांजेक्शन के सामने अब सवाल ये उठता है कि हमें एक्चुअल में सेल के प्रति डिबेंचर के प्रति कितना पैसा मिला तो ये वैल्यू जो लिखी है क्वेश्चन में लिखते हैं सेल किया 3000 डिबेंचर को 110 कम इंटरेस्ट पर तो जो वैल्यू कम इंटरेस्ट करके आ रही है मुझे उसमें से एक तो इंटरेस्ट माइनस करना है और दूसरा ब्रोकरेज हर ट्रांजेक्शन पर है ब्रोकरेज को भी माइनस करना होगा ये लीजिए जी वर्किंग नोट नंबर सेवन जो है स्क्रीन पर देखेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट है तीन हजार डिबेंचर एक सौ दस के हिसाब से थ्री लैख थर्टी थाउजेंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमने अभी अभी कंप्यूट किया वर्किंग नोट नंबर छह में छह हजार रुपए और ब्रोकरेज टू परसेंट थ्री लैख थर्टी थाउजेंड ट्रांजेक्शन प्राइस है जिसके ऊपर दो परसेंट बनता है सिक्सटी सिक्स हंड्रेड तो आ गया थ्री लैख थाउजेंड फोर हंड्रेड यानी कि आपने तीन लाख सत्रह हजार चार सौ रुपए रिसीव किए फ्रॉम द सेल ऑफ डिबेंचर थ्री वन सेवन फोर शून्य शून्य ये लीजिए जी थ्री वन सेवन फोर शून्य शून्य और हम ये भी जानते हैं प्रॉफिट या लॉस भी कंप्यूट करेंगे क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखी है मिस्टर चतुर जो है ही फॉलोज द्री थाउजेंड सेल किए किसमें से किए होंगे भाई इसमें से किए होंगे ये देखिए चार हजार पड़े हैं यहाँ पर डिबेंचर सौ रुपए की फेस वैल्यू इसमें से तीन हजार आपने बेचोगे तो फीफो के अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट लॉस जो है वर्किंग नोट नंबर आठ में चलकर कंप्यूट करते हैं ये लीजिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो पता है जो हमने वर्किंग नोट नंबर सेवन में निकाली है थ्री वन सेवन फोर डबल जीरो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे पास पड़े थे उसकी कॉस्ट थी थ्री लैख नाइनटी टू थाउजेंड ये कितने डिबेंचर की थी चार हजार की तो डिवाइड बाय चार हजार कर दिए इससे पर डिबेंचर की आ गई मल्टीप्लाई बाय जितने हमने सेल किए थ्री थाउजेंड टू लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड कॉस्ट आया सेल वैल्यू है थ्री वन सेवन फोर डबल जीरो मीन प्रॉफिट ऑन सेल हुआ ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड रूपी का कॉस्ट कम है सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है ये प्रॉफिट जाकर बुक किया जाएगा ये लीजिए जी प्रॉफिट है एक सितंबर को टू पी पीएंडल प्रॉफिट ऑन सेल अमाउंट कॉलम में आ गया जी तेईस हजार चार सौ रुपए वर्किंग नंबर आठ से एक सितंबर की ट्रांजैक्शन ओवर हुई ध्यान रखेंगे अगली इंटरेस्ट की डेट थर्टी वन दिसंबर है लेकिन उससे पहले एक ट्रांजेक्शन है एक दिसंबर को कहते सोल्ड टू थाउजेंड डिबेंचर एट वन हंड्रेड फाइव कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट सॉरी ये लीजिए तो एक दिसंबर दो हजार चौदह को फिर से बाय बैंक सेल दो हजार डिबेंचर यानी कि दो लाख रुपए की फेस वैल्यू हो गई जब आपने एक दिसंबर को बेचा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा लास्ट इंटरेस्ट था तीस जून से लेकर एक दिसंबर तक पांच महीने का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये लीजिए जी वर्किंग नोट नंबर नाइन दो हजार डिबेंचर एक डिबेंचर सौ रुपए का बारह प्रतिशत का इंटरेस्ट फाइव मंथस के लिए यू विल रिसीव तो ये वैल्यू उत्तर आंदी है टेन थाउजेंड रुपीज दस हजार रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलेगा ये वैल्यू जाकर यहां पर हमने भर दी इंटरेस्ट कॉलम में सेल के सामने जो कि एक दिसंबर को आपने किया अब बारी आई इसमें हमें सेल और डिवेंचर के प्रति कितना मिलेगा। तो उसका 10 हमने बनाया है एक्स इंटरेस्ट है दो तो हजार गुना एक सौ पांच दो लाख दस हजार रुपए की ट्रांजेक्शन हुई लेकिन हमने ब्रोकरेज भी दी जो कि कितनी है दो प्रतिशत तो दो लाख दस हजार ट्रांजेक्शन प्राइस का टू परसेंट फोर्टी टू हंड्रेड माइनस किया और ये आया जी टू लैख फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड रुपी तो ये पैसा हमें जो है सेल करने पर डिवेंचर से मिला है दो लाख पांच हजार आठ सौ रुपए का जिसे हम यहां पर भर देंगे टू लैख फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड जैसे ही सेल किया अगेन द सेम थिंग कम्स इन टू माइंड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया जी हमने जो ओरिजिनल वाले चार हजार थे इसमें से तीन हजार तो हमने यहां बेच दिए जो हमने थोड़ी देर पहले देखा फीफो के हिसाब से जो ब्रॉड डाउन था उसमें से आपके पास एक हजार डिबेंचर पड़े हैं और आपने थोड़ी देर बाद दो लाख रुपए की यानी कि दो हजार डिबेंचर और खरीदे अब बात यह आई कि जो आपने यहां पर ये सेल किया एक दिसंबर को दो सेल वैल्यू तो है मेरे पास लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जब मुझे कॉस्ट लेनी होगी तो इस बार इसके अंदर दो चीजों की कॉस्ट इन्वॉल्व है एक तो जो ब्रॉट डाउन है उसमें से एक हजार डिबेंचर पड़े हैं और जो आपने परचेज किए थे उसमें से एक हजार डिबेंचर की कॉस्ट आपको लेनी होगी आइए ध्यान से देखें तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल हमारा हेडिंग आ गया वर्किंग नोट नंबर इलेवन सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस आपके पास ओपनिंग बैलेंस था तीन लाख बानवे हजार का अमाउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर थे, थे उसमें से एक हजार ही बचे हैं क्योंकि तीन हजार तो सेल कर दिए तो इंटू वन थाउजेंड करते हुए प्रपोर्शनेट निकाल लिया नाइनटी एट थाउजेंड आपने बेचे कितने हैं जब मैं यहां पर सेल वैल्यू कह रहा हूं ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने इसमें दो हजार डिबेंचर बेचे हैं तो मुझे दो हजार की ही कॉस्ट चाहिए तो एक हजार तो ये आ गए ओपनिंग बैलेंस से और जो बाकी एक हजार है ये मुझे कहां से लेना जो मैंने परचेज किया था एक जून को एक जून को जो परचेज किया था आपने उसकी कॉस्ट थी टू तो लैख थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और ये कितने की कॉस्ट थी दो हजार डिवेंचर की जबकि मैंने तो सिर्फ एक हजार की कॉस्ट यहां से निकालनी है तो उसका भी हमने प्रोपोर्शनेट करते हुए वैल्यू निकाला और इन दोनों को टोटल किया तो दो लाख पंद्रह हजार चार सौ रुपए की कॉस्ट है जबकि सेल वैल्यू है दो लाख पांच हजार आठ सौ रुपए तो लॉस ऑन सेल हमारे सामने निकल कर आता है नाइनटी सिक्स हंड्रेड रुपये का तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा फीफो मेथड है अब तक जितने क्वेश्चन करे थे सब में स्ट्रेट वे आ जाता था कि भाई इतने डिवेंचर हैं इसमें से इतने बेचे तो कॉस्ट निकालो लेकिन यहां पर आपको सोचना पड़ा क्योंकि जो डाउन थे चार हजार उसमें से तीन हजार तो ऑलरेडी सेल हो चुके तो उसमें सिर्फ एक हजार ही बचे हैं तो बाकी के एक हजार की कॉस्ट मुझे उसके बाद वाले डिवेंचर से लेनी होगी वेरी इंपॉर्टेंट किसी का गलत है भाई तो सही कर ले नाइनटी सिक्स हंड्रेड रुपी का लॉस ऑन सेल जो है आएगा ठीक हो गई बात अस मूव अहेड तो इस लॉस ऑन सेल को बुक किया जाए ऑन फर्स्ट दिसंबर फोर्टीन ये लीजिए एक दिसंबर 2014 को बाय पी एंड एल लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 11 से 9600 हमने यहां पर लिख दिया आफ्टर दैट जो डेट है ट्रांजेक्शन की वो तो है थर्टी जनवरी लेकिन हमें रुकना है थर्टी दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव करना है तो इकतीस बारह दो को हम देख सकते हैं बाय बैंक इंटरेस्ट की ट्रांजेक्शन हमने की है इंटरेस्ट कितने पर मिलेगा जितने डिबेंचर मेरे पास होंगे जरा ब्रॉड डाउन की तरफ देखिए डेबिट साइड की तरफ देखिए सॉरी चार लाख ओपनिंग थे फिर दो लाख और परचेज के तो टोटल छह लाख हो गए जिसमें से तीन लाख के एक सितंबर को और दो लाख रुपए के एक दिसंबर को बेच दिए तो हमारे पास बचे कितने हैं मात्र एक लाख एक लाख रुपए के डिबेंचर बचे हैं यानी कि एक हजार डिवेंचर है जिसके ऊपर इंटरेस्ट अपने को मिलेगा ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर बारह हमारे पास कितने डिबेंचर बचे हैं मात्र एक हजार एक डिबेंचर सौ रुपए का फेस वैल्यू

तीन हजार रुपये का इंटरेस्ट आई विल पे ठीक है ना टू तो द पार्टी तो इंटरेस्ट कॉलम में जाकर लिख लिया थ्री थाउजेंड रुपी इसके अलावा डिबेंचर परचेज के तो मैंने कॉस्ट कितनी दी है क्वेश्चन ने कहा इंटरेस्ट है तो तीन हजार गुना सौ करके सीधा आ जाता लेकिन याद रखें ब्रोकरेज भी है क्वेश्चन में ब्रोकरेज भी है ये लीजिए तो ट्रांजेक्शन प्राइस है तीन हजार गुना सौ तीन लाख रुपए लेकिन ब्रोकरेज है जिसके कारण मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो प्लस कर दिया ब्रोकरेज तीन लाख रुपए जो ट्रांजेक्शन का प्राइस है उसके ऊपर दो प्रतिशत निकालकर एड कर दिया छह हजार और ये टोटल कॉस्ट आया तीन लाख छह हजार रुपए जो कि हम अमाउंट कॉलम में जाकर लिख देंगे ये लीजिए जी थ्री लैख सिक्स थाउजेंड रुपी को हमने इनपुट कर दिया इन दी अमाउंट कॉलम चलिए जी जितनी ट्रांजेक्शन है सारी की सारी हमने कर ली लेकिन ध्यान रखें 31 मार्च को जब कैरी डाउन करना है तब भी यहां पर काम है तो जब कैरी डाउन करने की बारी आई क्वेश्चन ने हमें मार्केट वैल्यू जो है है ना वो 105 क्वेश्चन ने मार्केट वैल्यू निकाल कर दी है यानी कि हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करेंगे ये हम सीख चुके हैं करना इसमें नई बात कोई नहीं है तो हम इकतीस मार्च दो को कह रहे हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली फेस वैल्यू की हमारे पास चार लाख ,00 की फेस वैल्यू का समान पड़ा है इसके ऊपर हम इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कर सकते हैं तो चार लाख रुपए के जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपके पास है यानी कि चार हजार डिबेंचर ऑफ सौ इंच तो टोटल फेस वैल्यू होगी चार लाख बारह प्रतिशत के हिसाब से तीन महीने का इंटरेस्ट आएगा जो कि सबसे स्पेशल पॉइंट है इन क्वेश्चन का ये तीन महीने का इंटरेस्ट क्यों आया कौन से पीरियड का आया है ये आएगा बेटा फर्स्ट जनवरी 2015 से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन का लास्ट इंटरेस्ट हमें मिला इकतीस दिसंबर uh, को दो हजार चौदह को और अगला इंटरेस्ट ड्यू है तीस जून को लेकिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही इकतीस मार्च को तो तीन महीने का इंटरेस्ट तो मुझे पक्का पता है मुझे मिलकर ही रहेगा तो वो तीन महीने का इंटरेस्ट मैं अभी बुक कर लूंगा जो मेरा इनकम बनेगा तो ये अमाउंट आ गया जी बारह हजार रुपए ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमने यहां पर कैरिट डाउन के सामने डाल दिया कंप्यूट करके बारह रुपए एक तो ये बात हो गई उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालनी है हमें बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट कॉलम की जो कॉस्ट वाली वैल्यू होती है तो जब हमने उसे निकाला रफ में आपने ये वैल्यू आ रही है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चार लाख तेईस हजार चार सौ फोर लाख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड जबकि क्वेश्चन ने कहा हमारी जो मार्केट प्राइस है वो एक सौ पांच रुपए है आपके पास चार हजार डिबेंचर है एक सौ पांच रुपए के हिसाब से देखें तो चार लाख बीस हजार बनता है ठीक है ना चाहे आप इसको ऐसे कर लें चार हजार डिबेंचर इंटू एक सौ पांच रुपए मतलब पर डिबेंचर या फिर अगर आप पूरी वैल्यू ले रहे हैं चार लाख रुपए तो एक सौ पांच की बजाय एक सौ पांच परसेंट कर देंगे वैल्यू सेम आएगी कोई नंबर नहीं करते इस चीज के बोथ आर करेक्ट तो चार लाख बीस रुपए की मार्केट प्राइस आई तो मेन लर्निंग यहां से यही हमें क्या पता है कि बच्चे अपने को लेना है विच एवर इज लेस तो मार्केट प्राइस लेस है तो हम वैल्यूएशन करेंगे मार्केट प्राइस पर यानी कि चार लाख बीस हजार रुपए पर जबकि हमारी तो कॉस्ट आ रही थी चार लाख तेईस हजार चार सौ तो जो बैलेंस आ रहा है थर्टी फोर हंड्रेड का क्योंकि जैसे आप चार लाख बीस हजार डाउन में लिखोगे तो चौतीस रुपए का बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा यह क्या चीज है दिस इज दी लॉस ऑन वैल्यूएशन ये क्या चीज है? है भाई लॉस ऑन वैल्यूएशन तो इसे भी बुक करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां आएंगे और लिखेंगे 31 मार्च 15 को बाय पी एंड एल लॉस ऑन वैल्यूएशन 3400 और 4 लाख 2000 जो मार्केट प्राइस है वो हमारा यहां पर आएगा इस तरह से आपका कॉस्ट वाला कॉलम टैली होगा जहां तक इंटरेस्ट वाले कॉलम की बात है क्रेडिट साइड का टोटल किया सत्तर हजार और डेबिट साइड पर जाकर बैलेंसिंग फिगर निकाल दी जो आ रही है 45000 ये इंटरेस्ट आपका पी एंड एल अकाउंट के अंदर जाएगा इस पर्टिकुलर ईयर की इनकम बनकर ठीक है ना तो ये था प्रश्न नंबर पांच बेहद इंपॉर्टेंट कुछ इसमें करना हो आपको करेक्शन कर लीजिए और उसके बाद हम प्रश्न नंबर छह को डिस्कस करते हैं चलिए बेटा प्रश्न नंबर छह जो है उसे करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स ये लीजिए जी क्वेश्चन ने कहा मिथन होल्ड्स टू थाउजेंड फिफ्टी परसेंटर ऑफ हंडेड इन सीमा इंडस्ट्री ऑन फर्स्ट कॉस्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट पेबल है तीस जून और इकतीस दिसंबर को कुछ ट्रांजेक्शन बताई गई और बाद में बताया कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है हम थर्टी वन मार्च को क्लोज करते हैं तो यहां पर फिर से क्या हुआ कि आपके इंटरेस्ट पेरियड कोइंसाइड नहीं हो रही और क्वेश्चन है भैया फीफो मेथड जो है आपको यूज करना होगा ये लीजिए सबसे पहले देते है, जिसका मिथन, है, 1 2015 से 31 मार्च 2016 तक का और इंडस्ट्रीज लिमिटेड ठीक हो गई बात चलिए डेबिट साइड पर आ गए ऑल कैन सी द स्क्रीन ये लीजिए तो सबसे पहले देख रहे एक अप्रैल दो क्वेश्चन कहता दो हजार डिबेंचर है सौ रुपए का एक यानी कि फेस वैल्यू होगी टू बैलेंस के सामने दो लाख रुपए और ये है दो अप्रैल 2015 याद रखें लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा दो दिसंबर 2014 को तो तीन महीने का इंटरेस्ट यहां पर आना बनता है तो वर्किंग नोट नंबर वन में आ गए इन 2000 हजार डिबेंचर के ऊपर जो सौ रुपए का है 15 परसेंट के हिसाब से बेटा थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट जो है हमने बुक कर लिया सेवेंटी रुपी पचहत्तर सौ रुपए का इंटरेस्ट यहां डाल दिया सेवेंटी फाइव हंड्रेड और कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन क्लियरली बताइए तो कॉस्ट ऑफ टू लैख टेन थाउजेंड वो कॉपी पेस्ट हमने कर दिया तो ये ब्रॉड डाउन की बात कंप्लीट हो गई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ये वाला इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कहता 1, 2015, आर कम एट 7, 000, ये एक मई दो हजार तो इंटरेस्ट दिया होगा पार्टी को एक मई को ट्रांजेक्शन हुई है लास्ट इंटरेस्ट मिला था इकतीस दिसंबर को तो जैन फेब मार्च अप्रैल चार महीने का इंटरेस्ट आपने पे करना एक हजार डिबेंचर सौ रुपए का एक पंद्रह परसेंट के हिसाब से फोर मंथ्स के लिए बन जाता है तो, तो यहाँ ट्रांजेक्शन तो तो प्राइस कम इंटरेस्ट है बेटा वन लैख सेवन थाउजेंड कोई ब्रोकरेज वगैरह तो नहीं है कम इंटरेस्ट तो सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दिया कितना पांच हजार तो ये आ गया बेटा वन लैख टू थाउजेंड तो एक लाख दो हजार रुपए यानी कि आपने टू दिए हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बुक कर लिया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यानी कि अमाउंट कॉलम में एक लाख दो हजार उसके बाद क्वेश्चन है सीधा तारीख दी नवंबर लेकिन हमें ध्यान रखना उसके पहले इंटरेस्ट की तेईस जून दो हजार्टिंग ता ब्रॉडडाउन एक लख रुपये होर खरीदे आप तीन लाख रुपए थ्री थाउजेंड मतलब डिबेंचर ऑफ हंड ही चेगे हैं तो एंट्रस्ट तीन हजार डिबेंचर सौ रुपए का एक पंद्रह प्रतिशत छे बटे बारह छह महीने के लिए बाईस हजार पांच सौ रुपए का इंटरेस्ट अपने को मिलने वाला है ये लीजिए मिल पांच सौ रुपए का इंटरेस्ट जून दो हजार पंद्रह को हमारे नाम हुआ उसके बाद ट्रांजेक्शन है एक नवंबर को बारह सौ डिबेंचर आपने सेल कर दिए तो एक नवंबर को बाय बैंक सेल बेटा 1200 एक हजार एक लाख बीस हजार की फेस वैल्यू जब आपने बेचा तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा क्योंकि ये चार महीने का इंटरेस्ट तो आपको बिलोंग करता है चार का कितने का देख लेते हैं अभी तीस जून को मिला था लास्ट टाइम तो जुलाई ऑगस्ट सितंबर एंड अक्टूबर चार महीने का इंटरेस्ट ये लीजिए तो बारह सो डिबेंचर सौ रुपए का एक पंद्रह परसेंट चार महीने के लिए छह हजार रुपए का आपको जो है ये इंटरेस्ट रिसीव होगा फ्रॉम द पार्टी हु हैज परचेज फ्रॉम यू तो ये छे तो भैया यहां आ गया

दो लाख रुपए में से ही एक लाख बीस हजार के आपने सेल किए होंगे तो ईजिली वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर छे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं जी दो लाख दस हजार की कॉस्ट थी कितने की टू थाउजेंड की जो कि ओपनिंग में थे ये हमने यूनिटरी मेथड लगाकर बारह सो की निकालनी है अगर दो हजार की कॉस्ट इतनी थी तो भाई बारह सौ की कितनी होगी जो आ गई वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड जबकि सेल वैल्यू है वन लैख फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेल ज्यादा में सेल सॉरी कम में किया आपने कॉस्ट ज्यादा थी तो देर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपी जिसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाकर बुक कर लिया जाएगा तो एक नवंबर को हम कह रहे हैं भैया बाय पी एंड एल लॉस ऑन सेल इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर छ के माध्यम से दर्शाया उसके बाद क्वेश्चन में गई वापिस तीस नवंबर को आपने डिवेंचर परचेज की ये लीजिए तीस नवंबर टू बैंक परचेज ट हंड्रेड डिचर आर परचेज मतलब अस्सी हजार रुपए की फेस वैल्यू हो गई जब आपने परचेज किए तो यू विल पे द इंटरेस्ट टू द अदर पार्टी फॉर फाइव मंथ्स जब भी इंटरेस्ट निकालते हैं ट्रांजेक्शन में जो भी होते हैं कब से कब तक का निकलता है याद रखें बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक्स ऑफ द चैप्टर थे जो भी इंटरेस्ट की लास्ट डेट गई थी से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तो लास्ट इंटरेस्ट कब था तीस जून अब क्या तीस नवंबर तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर पांच महीने का इंटरेस्ट इन आठ सौ डिवेंचर के ऊपर आठ तो सौ डिबेंचर सौ रुपए का एक 15 परसेंट के हिसाब से फाइव मंथ्स के लिए फाइव थाउजेंड रुपी तो आपने पे किए हैं ओनली एंड ओनली फॉर द इंटरेस्ट टू द अदर पार्टी इंटरेस्ट कॉलम में जाकर लिख लिया फाइव थाउजेंड क्वेश्चन ने कहा इनका जो कॉस्ट है दैट इज सेवेंटी सिक्स एट हंड्रेड एंड एक्स इंटरेस्ट ब्रोकरेज ड्यूटी है नहीं क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन सीधा सीधा आ गया क्योंकि अगर कम इंटरेस्ट होता तब हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता जब है ही एक्स इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो को माइनस नहीं करना है ये भी बात हो गई नवंबर की उसके बाद क्वेश्चन कहता इकतीस दिसंबर को आठ सौ डिवेंचर आपने सेल कर दिया कम इंटरेस्ट अब इकतीस दिसंबर को इंटरेस्ट भी मिलना है इकतीस दिसंबर को ट्रांजेक्शन भी है मैंने हमेशा सिखाया कि पहले ट्रांजेक्शन करो उसके बाद इंटरेस्ट का काम करेंगे तो इकतीस दिसंबर दो को आपने किया बाय बैंक सेल 800 सौ डिवेंचर मतलब अस्सी हजार रुपए के जब आपने सेल किए तो आपको पार्टी से छह महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो इन 800 सौ रुपए का एक पंद्रह परसेंट छह महीने का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है छ हजार रुपए बनता है तो ये तो आ गया भाई हमारा इंटरेस्ट कॉलम के अंदर और कितने रुपए मिलेंगे आपको सेल करने पर क्वेश्चन ने कहा कम इंटरेस्ट अमाउंट है एक लाख दस हजार का तो एक लाख दस हजार में से हम इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर देंगे ये लीजिए ट्रांजेक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट है बेटा वन लैख टेन थाउजेंड और इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया जो अभी अभी हमने कंप्यूट किया था तो एक लाख चार हजार रुपए का जो अमाउंट है वो आपको मिला है टुवर्ड्स द सेल वैल्यू ओनली ऑफ द डिबेंचर ये आ गया जी वन लैख फोर थाउजेंड कॉपी कर दिया इसे अमाउंट कॉलम के अंदर

सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हम निकाल चुके हैं एक लाख चार हजार रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें ओपनिंग में दो लाख दस हजार की कॉस्ट थी डिवाइड बाय टू यानी कि पर डिवेंचर आ गया मल्टीप्लाई बाय 800 यूनिटरी मेथड कह दें चाहे 84,000 की कॉस्ट है जबकि सेल वैल्यू है एक लाख चार हजार तो ज्यादा में सेल किया मतलब मुनाफा हुआ आपको बीस रुपए का प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट को बुक किया जाएगा ये लीजिए 31 दिसंबर 2015 को पुत्र टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल बीस इन दी अमाउंट कॉलम वर्किंग नोट नंबर टेन के मुताबिक डन हुआ क्वेश्चन की सारी ट्रांजेक्शन डन हो गई बस 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलना रह गया ये लीजिए 31 दिसंबर को बाय बैंक इंटरेस्ट डेबिट में देखिए क्या क्या है दो लाख प्लस एक लाख प्लस अस्सी हजार ,00, का टोटल पड़ा था जिसमें से एक बीस और अस्सी यानी कि दो लाख का आपने सेल कर दिया तो फेस वैल्यू कितनी बची आपके पास आज की रेट में भाई एक लाख अस्सी हजार की या फिर ऐसे क्यूँ अठारह सौ डिबेंचर है ऑफ हंड्रेड रुपी ईच तो उसके ऊपर आपको छह महीने का इंटरेस्ट मिलेगा पांच सौ रुपए का इंटरेस्ट यू विल रिसीव ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को जाकर लिख दिया इकतीस बारह बाय बैंक इंटरेस्ट के सामने और ये सारी ट्रांजेक्शन खत्म हुई हमारी अब सवाल रह गया कैरी डाउन करने का क्वेश्चन कोई मार्केट प्राइस वगैरह तो दिया नहीं तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता है लेकिन कैरीडाउन तो करना होगा तो सबसे पहले फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के कॉलम को जब आपने किया कैरीडाउन आया जी एक लाख अस्सी हजार रुपए यानी कि इतनी फेस वैल्यू अपने पास बची है और ये टाइप कौन सा है जहां पर इंटरेस्ट की डेट हमारे अकाउंट क्लोजिंग डेट से मैच नहीं करती इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर 2015 को और हम अपना ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च को तो जैन फेब मार्च तीन महीने का इंटरेस्ट मैं खुद को एक कर लूंगा तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन में आए अठारह डिबेंचर जो हमारे पास हैं, सौ रुपए के हिसाब से फिफ्टीन परसेंट फॉर थ्री मंथ सिक्स सेवन फाइव जीरो का इंटरेस्ट जो अक्रूड है उसे मैं बुक अभी कर लूंगा क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम ही मेरे लिए बनती है तो सिक्स सेवन फाइव जीरो का अमाउंट हमारा यहां पर आ गया एंड बची बात बैलेंस की तो ये भी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली इन द अमाउंट कॉलम कोई मार्केट प्राइस होता तो कंपेयर करते और लॉस ऑन वैल्यूशन वगैरह का हिसाब किताब बनता अगर मार्केट प्राइस कम होता लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं तो सीधा सीधा कैरी डाउन हो गया जहां तक इंटरेस्ट की बात है तो क्रेडिट साइड से टोटल किया गया फिफ्टी फोर सेवन क्रेडिट साइड का टोटल किया गया दिस टोटल सीम्स टू बी लिटल बिट रॉन्ग बाईस हजार पांच सौ प्लस छह हजार प्लस छ हजार प्लस तेरह पांच सौ प्लस सिक्स सेवन फाइव जीरो ठीक है फिफ्टी फोर सेवन फिफ्टी और माइनस कर दिया डेबिट साइड वाला जी यहां टोटल गलत लिख दिया फिफ्टी फोर सेवन फिफ्टी है इसको करेक्ट कर लेंगे फिफ्टी फोर थाउजेंड फैन फिफ्टी और ये आ गई जी बैलेंसिंग फिगर टू पी एंड एल इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर किया पी एंड एल में थ्री सेवन टू फाइव जीरो जो कि हमारे करंट ईयर की इनकम बनी इसके साथ ये होमवर्क की चेकिंग हमारी खत्म होती है जो कि पिछली कक्षा में हमने दिया था बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट है दो प्रश्न क्लास में किए थे दो होमवर्क तो बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई है अब हम बढ़ेंगे आगे आइए जी अब हम बढ़ेंगे आगे एक बार दिखा दें आपको यह रहा कॉन्सेप्ट नंबर नाइन एफ आई बी एस इंटरेस्ट डेट एंड इन्वेस्टर बुक्स क्लोजिंग डेट नॉट मैचिंग नॉट तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था अब आ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर दस पर एफ आई बी एस का अंतिम कॉन्सेप्ट है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बट पार्ट ऑफ सिलेबस सो सीखेंगे तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट नंबर दस आइए बेटा एफ आई बी एस वेटेड एवरेज मेथड नंबर वेटेड एवरेज मेथड किस चीज का मेथड है बताएंगे अभी पहले नोट कीजिए इतना जो मैंने लिखा है सारी बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर दस एफ आई बी एस वेटेड एवरेज मेथड अभी तक हमने सिर्फ एक ही मेथड सुना फीफो मेथड उसका यूज होता है क्या वो परचेज के समय यूज होता है जी नहीं क्या वो सेल के समय यूज होता है जी नहीं उसका यूज होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल तो बस अब होगा क्या फीफो मेथड की जगह क्वेश्चन कह देगा वेटेड एवरेज मेथड से करो। मतलब इसका यूज कहां है ना परचेज में ना सेल में जस्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल लिखेंगे इट इज टू बी यूज मेनली एट द टाइम ऑफ मेनली एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इट इज टू बी यूज मेनली एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल तो जब सेल करते हैं हम कहते हैं कि भाई प्रॉफिट या लॉस निकालो हम उस प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू क्या कह रहा हूं मैं ये देखिए जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कॉस्ट वर्सेस करते हैं सेल वैल्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वर्सेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वर्सेस करते हैं सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के ठीक है ना अब जो सेल वैल्यू है ये तो हमें क्वेश्चन में पता चल जाती है लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं वन इज कॉल्ड एज रुको ऐसे लिखते हैं ऐसे आराम से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर विंग दू मैथड मैथड वन और मैथड टू मैथड वन है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जबकि मैथड टू है वेटेड एवरेज मैथड अब तक हमने जितने प्रश्न किए सब में फीफो मैथड करते थे और एफआई बी एस में नॉर्मली फीफो मेथड ही चलता है मैं आपको वेटेड एवरेज सिखा रहा हूं एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन मेनली फीफो चलता है अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो तब भी हमने नोट लिखकरा वेटेड एवरेज तभी लगाना अगर क्वेश्चन खुद ब खुद आपको बोलेगा जहां तक सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात है ये तो हमें क्वेश्चन से मिल जाती है वी कैन कंप्यूट दिस नॉर्मली विथ द हेल्प ऑफ डेटा विद देल्प ऑफ डेटा गिवन इन क्वेश्चन वी कैन कंप्यूट दिस नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ डाटा गिवन इन क्वेश्चन सेल वैल्यू की बात नहीं हो रही हम ये क्या कह रहे हैं आपको याद दिला दें कि जब आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना है तो हम क्या करते हैं कॉस्ट वर्सेज सेल वैल्यू सेल वैल्यू तो इजिली आ जाती है क्वेश्चन के डाटा से लेकिन जो कॉस्ट है अब तक हम क्या करते थे हम मेथड लगा देते थे लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है वेटेड एवरेज लगाना फर्क क्या है दोनों में फर्क क्या है एक एग्जांपल समझ लेते हैं नॉर्मल तो आप जानते हैं फीफो मतलब फर्स्ट इन, फर्स्ट इन आउट यानी कि आप सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से इतना बेच दिया इसमें से इतना बेच दिया वेटेड एवरेज कहता है ऐसा कुछ नहीं है आपके पास कुछ पुराना था कुछ नया है सबको इकट्ठा कर लो और जो बेचा उसके टोटल में से ही आपने बेचा है एग्जाम्पल बना लेते हैं एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया जी नॉमिनल वैल्यू अमाउंट पर्टिकुलर्स भी लिखती दिया जो कॉलम चाहिए मैं सिर्फ उन्हीं को बना रहा हूं बाकी नहीं पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट डेट में बिना इसके ही डाल दूंगा कॉलम के ये लीजिए मान लेते हैं एक जनवरी दो हजार सत्रह से 2015 हजार एक जनवरी 2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एक हजार एक लाख रुपए के डिबेंचर थे एक हजार डिबेंचर सौ रुपए का एक और इनकी कॉस्ट थी एक लाख दो हजार हमने एक मार्च 2015 को फिर से परचेज किए टू बैंक परचेज फिफ्टी थाउजेंड लेट से इनकी कॉस्ट है फिफ्टी एट थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी एट थाउजेंड और एक मे दो हजार पंद्रह को एक मे पंद्रह हमने सेल कर दिए बाय बैंक सेल लेट से सत्तर हजार रुपए के डिबेंचर अमाउंट है इसका सेवेंटी सेवन थाउजेंड ये कर दिया अब हम जानते हैं कि वेन एवर वी आर सेलिंग वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस सोल्यूशन पर चलते हैं इसके हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कॉस्ट वर्सेस सेल तो हम क्या करते हैं भाई एक तरफ लिख लेते हैं फीफो मेथड और एक तरफ लिख लेते हैं वेटेड एवरेज फीफो वो है जो अब तक हम करके आए क्या लगता है आपने एक लाख रुपए के तो ब्रॉड डाउन में रखे हुए मतलब आपके पास पहले से पड़े एक हजार डिबेंचर आपने सात सौ डिबेंचर बेचे सौ रुपए की फेस वैल्यू तो सत्तर हजार वहां पर दिख रहा है एक हजार में से सात सौ बेचे फीफो मेथड अगर होगा तो वो सिंपल सी बात कहेगा कि उसी में से आपने बेचा है तो जब मैं यहां पर कॉस्ट निकालूंगा मैं कहूंगा भाई फीफो मेथड है एक लाख दो हजार डिवाइड बाय एक लाख यानी कि अगर डिबेंचर लें तो एक हजार डिबेंचर इंटू सात सौ एक हजार की कॉस्ट इतनी है तो सात सौ की कॉस्ट कितनी होगी वन लैख टू थाउजेंड डिवाइड बाई वन थाउजेंड इंटू सेवन हंड्रेड ये आ गया जी सेवेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड और सेल वैल्यू अपने को मालूम है सेवेंटी सेवन थाउजेंड सो फ्रॉम हेयर वी कुड इजिली फाइंड आउट दी प्रॉफिट ऑन सेल ये आ गया जी प्रॉफिट ऑन सेल कितना नोट करने का समय दे देंगे आपको फिफ्टी सिक्स हंड्रेड ये तो अब तक हम करते आए हैं वेटेड एवरेज क्या कहता वेटेड एवरेज कहता आपने बेचे किस दिन डेट बताओ हमने कहा जी एक मई को बेचे वो कहता एक मई से पहले आपके पास कितना सामान पड़ा है हमने कहा एक डाउन पड़ा है एक हमने टू बैंक किया था डेट्स देखो एक जनवरी एक मार्च यानी कि जब सेल किया उससे पहले दो तरह की आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है तो वेटेड एवरेज कहता कि आप इंडिविजुअलिटी नहीं करोगे आप टोटल देखोगे कि टोटल फेस वैल्यू इतनी टोटल कॉस्ट इतनी और अब यूनिटरी मेथड आप लगाओगे समझ रहे हैं कुछ मतलब फीफो कहता था कि जो आपने 700 सौ डिबेंचर बेचे वो ओपनिंग वाले 1000 में से बेचे वेटेड एवरेज कहता है ऐसा कुछ नहीं होता जो आपने 700 बेचे वो आपने टोटल में से बेचे टोटल कितने हैं एक हजार ब्रॉड डाउन में थे परचेज किए 500 तो टोटल कितने पड़े हैं भाई 1500 तो जब मैं वेटेड एवरेज के हिसाब से कॉस्ट निकालूंगा मैं कॉस्ट को टोटल करूंगा वन लैख टू प्लस फिफ्टी डिवाइड बाई टोटल डिवेंचर कितने एक हजार ओपनिंग के और 500 और खरीदे थे तो टोटल जितना वैल्यू था डिवाइड बाय टोटल जितने डिवेंचर थे कर दिया एवरेज आ गया मल्टीप्लाई बाय सात सो डिबेंचर जो बेचे उनकी कॉस्ट कितनी कर अभी भी यूनिटरी मेथड रहे लेकिन यूनिटरी का तरीका चेंज हो गया पहले सिर्फ फीफो वाले डिबेंचर देख रहे थे फीफो के हिसाब से ओपनिंग वाले लेकिन अब ओपनिंग प्लस जो परचेज किए वो भी आपने देख लेने तो दिवाएड बाए। दिवाएड बाए वन लेख टू थाउजेंड प्लस फिफ्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाय डिवाइड बाय फिफ्टीन हंड्रेड इन टू सेवन हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली सेवन फोर सिक्स सिक्स सेवन अप्रोक्सीमेट सेवन फोर सिक्स सिक्स सेवन बाकी चेंज नहीं है सेल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता सेल वैल्यू को निकालने के लिए नहीं है ये चीज फीफो या वेटेड एवरेज ये कॉस्ट को निकालने के लिए और कॉस्ट आएगी सेल वैल्यू से जब कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली फर्क कहां मिलेगा आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने में हेल्प ये चीज आपकी करता है सो इफ आई लुक नाउ माई प्रॉफिट ऑन सेल हैज चेंज्ड टू ट्रिपल थ्री तो ये है वेटेड एवरेज मेथड दोनों अलग हैं बिल्कुल क्वेश्चन मैं याद दिला दूं आप इसे हमें फीफो मेथड यूज करना है क्वेश्चन अक्सर फीफो ही लिखेगा तो फीफो यूज करने का क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिख रहा तो भी फीफो ही लगाना नोट लिखाना एस क्वेश्चन हैज नॉट स्पेसिफाइड वी आर एज्यूमिंग फीफो मेथड वेटेड एवरेज तभी यूज करना ओनली एंड ओनली इफ द क्वेश्चन विल से वेटेड एवरेज को एवरेज मेथड भी कहा जा सकता है चलिए नोट करिए हम कर रहे हैं इससे संबंधित प्रश्न नंबर दस क्वेश्चन नंबर टेन में आ जाएंगे ऑफ द क्लास पजल क्वेश्चन क्या है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द अब क्वेश्चन एज्यूमिंग वेटेड एवरेज मेथड इज बिंग फॉलोड अरे अब क्वेश्चन का मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर नाइन नॉर्मली ओरिजिनली क्वेश्चन नंबर जो किया था उसमें क्या लिखा था फीफो मेथड शैल बी फॉलोड फीफो मेथड शेल बी फॉलोड तो वापस से पूरा क्वेश्चन अपने करने एज्यूमिंग वेटेड एवरेज मेथड इज फॉलोड तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पर अगर मैं जाऊं हमने लास्ट क्लास में ये देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन किया था क्वेश्चन नंबर नाइन पूरे का पूरा अपने को सेम रखना है मतलब हम वापस से कैलकुलेशंस नहीं करेंगे जैसे मान लो जब हमने टू बैलेंस डाउन लिखा तो हमने इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला अमाउंट की कंप्यूटेशन करी एक्सेट्रा वो सब नहीं करना जितनी परचेज है सारी सेम रहेगी जितनी सेल है सारी की सारी सेम रहेगी तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे दोबारा से वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे लेकिन वर्किंग नोट बनेगा किस चीज के लिए जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा वेटेड एवरेज मेथड उसके कारण वेन यू आर सेलिंग तो जब उसका प्रॉफिट या लॉस आप निकालते हो उस वक्त जो है चेंजेस आएंगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर डूइंग एज पर फीफो और एज पर वेटेड एवरेज तो पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम हम कॉपी करते रहेंगे सिर्फ सेल के टाइम पे जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है उस समय पर सिर्फ उस समय पर जो है हम नया वर्किंग नोट बनाएंगे ठीक आई जी स्टार्ट किया जाए आंसर नंबर टेन बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन आंसर नंबर टेन बुक्स ऑफ बोनजा लिमिटेड आइए बेटा स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ बुक्स ऑफ बोनजा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 12 स्क्रिप्ट नाइन परसेंट गवर्नमेंट लोन ब्रैकेट में टू थाउजेंड थर्टीन 9% परसेंट गवर्नमेंट लोन ब्रैकेट में टू थाउजेंड थर्टीन ये लीजिए कॉलम्स बनाने स्टार्ट करते हैं डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट एंड अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट एंड अमाउंट कॉलम बन गए सारे के सारे बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे याद रहे कॉपी पेस्ट करना है हमें कुछ भी कंपटीशन नहीं करनी है तो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसका सॉल्यूशन अपने सामने रखें सबसे पहले था एक अप्रैल 2011 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपी टू लैख का लोन था इंटरेस्ट का अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ फोर्टी फाइव हंड्रेड और अमाउंट कॉलम में आ गया जी 1 ,90 एक लाख नब्बे रुपए एक अप्रैल दो हजार ग्यारह को तो ये हुआ उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़े तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन वो थी थर्टी फर्स्ट मे इलेवन को जब लिखा था कंपनी ने परचेज किया यही वाला गवर्नमेंट लोन तो थर्टी वन मे टू थाउजेंड इलेवन को बैंक परचेज हुआ परचेज की टर्म्स क्या थी अस्सी हजार रुपए की फेस वैल्यू का सामान तीन हजार रुपए का आपने इंटरेस्ट दिया और टुवर्ड्स यू पेड सेवेंटी थ्री थाउजेंड रुपी उसके बाद थर्टी वन मे के बाद क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट की डेट्स हैं तीस जून और इकतीस दिसंबर तो अभी तो तीस जून नहीं आ रही उसके बाद क्या हुआ एक जून को आपने सेल किया तो तीस जून से पहले ही एक जून दो हजार ग्यारह को बाय बैंक सेल की ट्रांजैक्शन हमारे सामने आई बाय बैंक सेल साठ हजार की फेस वैल्यू जिस पर आपको इंटरेस्ट मिला टू टू फाइव जीरो का और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड मिले आपको टुवर्ड्स द डिबेंचर लिख लीजिए लिख लीजिए अब जैसे ही सेल हुई आई नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस जब फीफो था तो हमने कितनी आसानी से कह दिया था कि भाई ब्रॉड डाउन में ना दो लाख रुपए का सामान पड़ा है तो उसमें से साठ हजार का बेच दिया उसके मुताबिक प्रॉफिट लॉस निकालो लेकिन एवरेज कहता ना आपने जब सेल किया ये सिक्सटी का उस समय आपके पास दो तरह के गवर्नमेंट लोन है दो तरह की सिक्योरिटी एक तो ओपनिंग वाली है टू की टू की टू की कॉस्ट कॉस्ट फेस वैल्यू है और एक और है जो आपने थर्टी वन मे को परचेज किया अस्सी हजार रुपए की फेस वैल्यू का जिसकी कॉस्ट है सेवनटी थ्री तो यू नीड टू तो टेक बोथ ऑफ दीज इंटू अकाउंट आपको इन दोनों को टेक इंटू अकाउंट करना पड़ेगा अभी इस क्वेश्चन में हम जानते हैं हमने किया था लेंदी क्वेश्चन है दो तीन सेल हैं इसके अंदर टोटल कितनी सेल है बता दूं वन टू थ्री तीन सेल है तो बार बार वेटेड एवरेज मेथड से निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर उस तरह से करें जैसे मैंने सिखाया तो इसका सिंपल अप्रोच क्या होता है वेटेड एवरेज का एक टेबल बनाया जाता है उस टेबल में रनिंग हैंड में सारे जो है प्रोफिट लॉस निकाल लिए जाते हैं तो उस हिसाब से यहां पर हम चलते हैं सो आई एम राइटिंग डाउन द हेडिंग वर्किंग नोट राइटिंग डाउन द हेडिंग वर्किंग नोट मेरे साथ आ जाएंगे लिख देंगे इसको स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ब्रैकेट में वेटेड एवरेज मेथड कॉलम्स बना लेंगे क्या क्या कॉलम्स बनेंगे डेट पर्टिकुलर्स, देन फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट सेल वैल्यू एंड लास्ट कॉलम बीइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल लास्ट कॉलम बीइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल देखिए जी किस प्रकार से करना है बेटा जब मैंने सेल किया उससे पहले मेरे पास कितनी 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 जो है वैल्यूज थी मेरे पास ऑन द डेबिट साइड वो हमने लिखना है तो एक अप्रैल एक 2011 को पर्टिकुलर्स में लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस वैल्यू कितनी थी इसकी फेस वैल्यू कितनी थी टू लैख कॉस्ट कितनी थी वन लैख नाइन्टी थाउजेंड आगे वाले कॉलम्स में भी कुछ नहीं लिखना आगे वाले दोनों कॉलम यूज होंगे ओनली एट द टाइम ऑफ सेल उसके बाद और क्या किया थर्टी वन में इलेवन को आपने और परचेज किया तो इंक्रीज हो गया बैलेंस अस्सी हजार की फेस वैल्यू जिसकी कॉस्ट कितनी है सेवेंटी थ्री थाउजेंड जिसकी कॉस्ट कितनी है सेवेंटी थ्री थाउजेंड अब इसके बाद सेल हुआ तो हम यहां पर रुकेंगे वेटेड एवरेज में हमने यही सीखा कि जब आप सेल कर रहे उससे पहले जितना भी सामान है सबका टोटल कर लीजिए तो हम यहां पर रुक कर, कर रहे हैं टोटल यहां पर रुके और हमने कहा भाई टोटल बताना कितना है दो लाख अस्सी हजार रुपए की फेस वैल्यू है और टू लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड की हमारे पास क्या है भाई कॉस्ट है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड की हमारे पास कॉस्ट है फिर हमने क्या किया एक जून दो हजार ग्यारह को हमने सेल किया फेस वैल्यू है साठ हजार सेल वैल्यू कहां लिखनी है यहां पर सेल वैल्यू के सामने तो कॉस्ट में क्या लिखना है जो ये सेल किया इसकी मुझे यहां पर कॉस्ट निकालनी है इसकी मुझे यहां पर कॉस्ट निकालनी है हम कहते हैं ना कॉस्ट को सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस आता है तो यहां पर कॉस्ट निकालने यूनिटरी मेथड

वेटेड एवरेज मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपने जो साठ हजार की फेस वैल्यू बेची अगर फीफो मेथड तो वो कहता यार जो ओपनिंग बैलेंस है ना दो लाख उसी में से बेच दिया वेटेड एवरेज कहता ना जब आपने सेल किया उससे पहले जितना भी सामान था ब्रॉड डाउन था या परचेज था सबको टोटल कर लो तो हमने टोटल किया तो दो लाख अस्सी हजार की फेस वैल्यू आई और टू लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड की हमारे पास आईजी कॉस्ट तो हमने वहां से इस कॉस्ट में से जो है यूनिटरी मेथड लगाना है तो दिस इज इंपॉर्टेंट With respect to weighted average मेथड ये कॉस्ट कितनी आएगी देख लेते हैं टू लेख सिक्सेंड टू लैखी और आपने सेल किया फिफ्टी सिक्स फोर हंड्रेड का ज्यादा का सेल किया तो भाई फोर्टी थ्री का इसको ऐसा करते हैं डिफरेंट कलर से लिखते हैं ये लिख दीजिए फोर्टी थ्री रुपए का आ रहा है प्रॉफिट इस तरह से हमें इसको करना है और यहां क्या निकाल देंगे बैलेंस की इसके बाद हमारे पास कितनी कॉस्ट बच गई बैलेंस दो लाख बीस हजार रुपए की फेस वैल्यू और अगर अमाउंट पर जाऊं तो टू लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड टोटल अमाउंट था जिसमें से कितने रुपए की कॉस्ट निकल गई फिफ्टी सिक्स थ्री फिफ्टी सेवन की तो ये बच गया टू जीरो डबल सिक्स फोर थ्री याद रहे ये दोनों फिगर्स आपस में कंपेरेबल नहीं है टोटल थी मेरे पास 2 की में से जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेची उसकी कॉस्ट थी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन की तो बैलेंस कॉस्ट मेरे पास ये बच गई आफ्टर दी सेल नंबर वन और ये जो प्रॉफिट हुआ इसे जाकर हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर बुक करेंगे एक जून दो हजार ग्यारह को So, on first June eleven we will say विल p टू l profit on sale ऑन p टू l profit on sale कितना रुपया आ रहा है forty three रुपी right ये पहला sale किया हुई थोड़ा नयापन लगाओगे आगे आगे बढ़ेंगे आपको इसमें mastery जो है हो जाएगी ये हुआ जी एक जून को उसके बाद क्या है ट्रांजेक्शन पर जाए तो तीस नवंबर की ट्रांजेक्शन है लेकिन हमें पता उससे पहले तीस जून को रुक जरा इंटरेस्ट जो है रिसीव कर ले तो तीस जून दो बाय बैंक इंटरेस्ट और हम कंप्यूट नहीं करेंगे हमने लास्ट क्लास में जो किया था वहीं से वैल्यू हम उठा लेंगे दैट इज नाइन्टी नाइन हंड्रेड रुपी नाइन हंड्रेड रुपी का जो है इंटरेस्ट था ये 30 जून 2011 की ट्रांजैक्शन हो गई उसके बाद क्वेश्चन में गए तो 30 नवंबर को आपने फिर से सेल किया हुआ है जी सीधा तो परचेज नहीं है सीधा सीधा सेल आ गई 30 नवंबर 2011 को बाय बैंक सेल सेल की टर्म्स क्या थी वो हम पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे आपने चालीस की फेस वैल्यू का सामान बेचा और इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1500 का एंड टुअर्ड दैल्यू ऑफ डिबेंचर यू है वेटेड एवरेज मेथड का वो तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए करना है यहां तक तो ऐसा ही रहेगा ठीक है ना बाय बैंक सेल सारी टर्म्स उसके लिख दी नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट का अमाउंट और डिबेंचर के प्रति कितना अमाउंट मिला जो कि अमाउंट कॉलम में लिख दिया अब वापस से हम इस टेबल के अंदर आ गए यहां तक हम पहुंच गए थे बैलेंस तक तीस नवंबर दो हजार ग्यारह को हमने फिर से क्या किया सेल कितनी फेस वैल्यू चालीस हजार कितने रुपए की वैल्यू बेची थर्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड की ये कॉलम हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जी कितने का सामान बेचा थर्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का हमें फिर से निकालना है 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 वेटेड एवरेज मेथड की मेरे पास जो कॉस्ट वो कितनी है? तो हमारे पास ये जी कॉस्ट कॉस्ट द फेस वैल्यू इज़ सो ऑफ़ यूनिटरी मेथड के हिसाब से टू जीरो तो ये आ रहा है जी टू हंड्रेड कॉस्ट इसमें इसमें सारी चीज छुपी है वेटेड एवरेज मेथड यहां लग रहा है ये है फीफो तो सीधा सीधा कर देते थे काम लेकिन वेटेड एवरेज के हिसाब से जब आपने सेल किया उससे जस्ट पहले देखो कितने रुपए की फेस वैल्यू और कितने रुपए की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बची है उसमें से प्रोपोर्शनेट करते हुए आपने कॉस्ट निकालनी है उस इन्वेस्टमेंट की जिसे सेल किया जा रहा है और कंपेयर करने पर सेल प्राइस से आपके पास लॉस या प्रॉफिट आएगा तो ये टू सेवेंटी वन रुपी का हमारे पास आ रहा है लॉस ठीक है ना ये टेबल नोट करने का भी चाहे आपको अलग से समय दे देंगे इसे जाकर हम यहां पर नोट करते हैं तो तीस नवंबर दो को हम कहेंगे बाय पीएनएल लॉस ऑन सेल टू हंड्रेड सेवेंटी वन रुपी थर्टी नवंबर टू थाउजेंड इलेवन बाय पीएनएल लॉस ऑन सेल ये भी खत्म हुआ उसके बाद क्या था एक दिसंबर को क्वेश्चन ने कहा था हमने परचेज किया ये लीजिए एक दिसंबर ग्यारह टू बैंक परचेज सेम कॉपी कर लेंगे दस हजार की फेस वैल्यू इंटरेस्ट थ्री सेवेंटी फाइव और कॉस्ट भी कितना गया टेन थाउजेंड तो हमने सीधा सीधा कॉपी कर लिया जाए इसे क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है एक मार्च को कंपनी ने सेल किया लेकिन एक मार्च तो दूर की बात है भाई पहले इकतीस तारीख को रुककर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो 31 दिसंबर 2011 को वी विल से बाय बैंक इंटरेस्ट ये भी पिछले प्रश्न से ही हमें कॉपी करना है बाय बैंक इंटरेस्ट में लिख देता हूं जी एट डबल फाइव जीरो का इंटरेस्ट जो है आता है एट डबल फाइव जीरो का इंटरेस्ट जो है हमारा आता है आफ्टर दैट वट हैपन्ड फर्स्ट मार्च ट्वेल्व को कहते कंपनी ने सेल कर दिया जो नई बात है सिर्फ वही करेंगे एक मार्च बारह को बाय बैंक सेल टेन थाउजेंड इज द फेस वैल्यू इंटरेस्ट इस पर कंप्यूट किया वन फिफ्टी और अमाउंट आ गया जी नाइनटी फाइव हंड्रेड का यहां तक पहुंच जाइए यहां तक पहुंच जाइए मेन बात अब आई कि जब आपने सेल किया उसके बाद प्रॉफिट ए लॉस किस हिसाब से निकलेगा तो ये कब की तारीख है एक मार्च ध्यान रखें जब आप अपनी स्टेटमेंट में जाएंगे तो सीधा सेल नहीं दिखानी तीस नवंबर की जो सेल थी उसके बाद आपने एक दिसंबर दो हजार ग्यारह को परचेज भी किया था वो यहां पर एड करना ना भूलें दस हजार की फेस वैल्यू थी बेटा और इसका अमाउंट भी टेन थाउजेंड ही था सो आफ्टर कंसिडरिंग दिस परचेज यू हैड अ बैलेंस ऑफ रुपी टू ट्वेंटी फोर्टी की सेल कर दी आपने ठीक है ना इसको चाहे तो इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं So आपके लिए इजी रहेगा सेल माइनस होती है परचेज ऐड होती है सेल माइनस होती है परचेज ऐड होती है तो दो लाख बीस में से चालीस गए एक अस्सी और अभी दस हजार एड हो गए तो वन लैख नाइनटी थाउजेंड की फेस वैल्यू बची हुई है कॉस्ट की बात करें टू जीरो डबल सिक्स फोर थ्री माइनस थर्टी सेवन फाइव सेवनटी वन प्लस टेन थाउजेंड सो वन लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड सेवेंटी टू का हमारा कॉस्ट बचा है और अब हमने क्या किया तारीख एक मार्च 2012 को वी हैव डन द सेल जिसकी फेस वैल्यू है दस हजार रुपए कितने में बेचा आपने उसे 9500 में तो 9500 फाइव यहां सेल के कॉलम के नीचे सेल कॉलम के नीचे लिख दिया हमें निकालना है जो आपने दस हजार की फेस वैल्यू सेल की इसकी कॉस्ट कितनी है तो जो बैलेंस मेरे पास पड़ा है कॉस्ट ऑफ वन लेख नाइनटी थाउजेंड फेस वैल्यू सो प्रोपोर्शनेट करते हुए दस हजार फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी होगी आते बेटा नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव कॉस्ट है इसकी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव की जबकि आपने इसे सेल किया है पचानवे सौ रुपए का तो आपको यहां पर फिर से मिलता है सेवेंटी फाइव का प्रॉफिट और इसके पश्चात जो बैलेंस आपके पास बचा है दैट इज वन लैख एट्टी थाउजेंड का फेस वैल्यू एंड वन सेवनटी नाइन जीरो सेवन टू माइनस नाइन फोर टू फाइव वन सिक्सटी नाइन सिक्स फोर्टी सेवन का अमाउंट यानी कि कॉस्ट ये लीजिए तो एटलीस्ट हमें प्रॉफिट मिल गया जो हमें चाहिए था प्रॉफिट और लॉस इसको जाकर बुक करते हैं ऑन द डेट फर्स्ट मार्च ट्वेल्व तो हम ये कहेंगे कि भाई इट इज टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल सेवेंटी फाइव और खत्म हो गया इकतीस मार्च दो हजार बारह को वी विल से बाय बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड कैरेडाउन पर जब आए ये फेस वैल्यू है वन लैख एट्टी थाउजेंड इसके ऊपर इंटरेस्ट हमने निकाल लिया होगा जो कि वन फिफ्टी का है और कॉस्ट बच रही है वन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन की ये आपको यहां से भी ज्ञात हो जाएगी जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो सेम टू सेम यहां पर आपकी आ जाती है वन क्वेश्चन है हालांकि अंत में आपको ये मार्केट प्राइस वाला पॉइंट बताने की कोशिश की थी कॉस्ट को कंपेयर करने का हम यहां पर निकाल कर दिखा देते हैं ऑन ओके थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व को मार्केट प्राइस के हिसाब से चलें तो आपके पास अठारह सो डिवेंचर बचे हैं नाइनटी सिक्स इज दैल्यू डिबेंचर विद रिस्पेक्ट टू मार्केट तो आता है वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड सो लोअर जो है वो कॉस्ट है 169, तो मार्केट प्राइस का कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ मजा तब आता है काम करना तब होता है अगर मार्केट प्राइस कम हो जाए मान लो मार्केट प्राइस हो जाता है वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो जो डिफरेंस है आपको क्योंकि वन लेख सिक्सटी फाइव पर बुक करना पड़ता है पहली बात और जो डिफरेंस है वो आपका लॉस ऑन वैल्यूएशन के नाम से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आता लेकिन अगर कॉस्टी कम आ रही है तो कोई दिक्कत आराइज नहीं होती तो कॉस्टी आपकी आ गई नाइन सिक्स फोर्टी सेवन इंटरेस्ट का अमाउंट एज यूजल आपका पी एंड एल में चला जाएगा जब हम यहां पर लिखेंगे इकतीस मार्च बारह पी एंड एल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टोटल कर लेते हैं फटाफट से जी दो लाख नब्बे हजार बन रहा है इसलिए हमारी बैलेंसिंग साइड पर वन लाख एट्टी थाउजेंड की बैलेंसिंग फिगर आई ये फिगर है जी टू सेवेंटी थ्री वन वन एट और इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें इंटरेस्ट में ऑब्वियसली वैसे तो कोई चेंज नहीं होगा बट मैं टोटल एक बार कर देता हूं बाईस पांच सौ, बाईस पांच सौ, तो यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर आएगी वन फोर टोटल में कोई मिस्टेक हो गई टू टू फाइव जीरो प्लस नाइनटी नाइन हंड्रेड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड एट डबल फाइव जीरो एंड सॉरी आई रोट डाउन दिस वैल्यू रॉन्ग फोर जीरो फाइव जीरो जीरो फाइव जीरो तो ये टोटल आता है छब्बीस हजार चार सौ माइनस फोर्टी फाइव हंड्रेड माइनस थ्री थाउजेंड और माइनस थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव वन एट फाइव टू फाइव तो वेटेड एवरेज मेथड इस प्रकार से किया जाएगा जो मैंने बताया मैं आपको पहले वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं और फिर उसके बाद आप लोग इस टेबल को नोट कर लेंगे वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करना क्या है एट द टाइम ऑफ एनी सेल जब भी कोई सेल है आपने उससे पहले देखने की कि कितने रुपए का सामान आपने खरीदा हुआ है ब्रॉड डाउन प्लस जितने भी परचेज है उस सेल से पहले वो सब ऐड करनी है तो यहां पर हमने देखा जब एक जून दो को आपने सबसे पहले सेल किया उस वक्त हमने देखा कि कितना सामान अपने पास पड़ा है तो एक अप्रैल का एक ओपनिंग बैलेंस था और उसके बाद थर्टी वन को हमने परचेज किया हुआ तो, तो हमने उन दोनों को टेक इन अकाउंट किया सिमिलरली जब 30 नवंबर की सेल की वहां पर भी यही था कुछ नया बीच में परचेज आया ही नहीं लेकिन जब एक मार्च वाली हमने सेल की तो उससे पहले एक और परचेज थी उसको भी हमने टेक इन टू अकाउंट किया यही मूल मंत्र है वेटेड एवरेज का ठीक है ना नोट करेंगे आई होप इट बीन नोटेड बेटा लेट अस मूव अहेड एक छोटी सी चीज आपको करवानी है लेकिन उससे पहले उससे पहले इस कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको होमवर्क बता दें होम पजल में प्रश्न नंबर सात होम पजल में प्रश्न नंबर सात को मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे कि भाई तुम हो कांसेप्ट नंबर 10 से इस प्रश्न की बात करें तो आरटीपी मई 2014 आरटीपी मई 2017 दिया गया तो मेन हाईलाइट क्या है एवरेज कॉस्ट बेसिस तो क्वेश्चन फीफो की बात नहीं करता क्वेश्चन कह रहे कि भैया एवरेज कॉस्ट वेटेड एवरेज को एवरेज कॉस्ट भी कहा जाता है तो यह प्रश्न आप बच्चों का होमवर्क में रहेगा हम वापस आ गए जी अपनी मेन शीट पर कॉन्सेप्ट नंबर इलेवन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट नंबर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप बच्चों को याद हो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नामक एक चीज सीखी थी कोई ना लिख लीजिए पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखा था जहां कहा था करंट हो सकता है नॉन करंट करंट मतलब शॉर्ट टर्म वेयर इज नॉन करंट मींस लॉन्ग टर्म कैसे स्पेसिफाई होता था कि जब आपने परचेज किया आपकी इंटेंशन क्या है होल्ड करने की अगर जब मैंने परचेज किया मेरी इंटेंशन है कि मैं मैक्सिमम बारह महीने तक होल्ड करूंगा तो इसको कहते थे करंट इन्वेस्टमेंट लेकिन अगर मेरी इंटेंशन है मैं महीने से ज्यादा होल्ड करूंगा तो इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो अगर मेरी इंटेंशन शॉर्ट टर्म है यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट है अगर उसका वैल्यूएशन का रूल क्या होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वेयर एज अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट है तो हम कहते हैं कि इसको कॉस्ट पर परिवेल्यू करना है मार्केट प्राइस से कंपेयर नहीं करना लेकिन हाँ अगर मार्केट प्राइस कम है और किसी ऐसे कारण की वजह से है जो कि परमानेंट नेचर का रिडक्शन लगता है टेम्पररी नेचर का नहीं लगता इन दैट केस आपको अपनी जो कॉस्ट है उसे कम करते हुए मार्केट प्राइस पर ले आना चाहिए ऐसा एक छोटा सा रूल मैंने आपको सिखाया था तो उससे संबंधित एक प्रश्न है अलग से कुछ नहीं लिख रहे सीधा उस प्रश्न को ही कर लेंगे प्रश्न नंबर थर्टीन है बेटा थर्टीन नंबर क्वेश्चन है एक बार आ जाएंगे छोटा सा क्वेश्चन है ये एग्जाम का क्वेश्चन है बहुत पहले नवंबर 2009 में दो नंबर के लिए पूछा गया था एग्जाम क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए पूछा गया था आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द्लास पजल क्वेश्चन कहता कि कंपनी एम वाई लिमिटेड शेयर ऑफ वाईजेड लिमिटेड एट रूपी हंड्रेड एंड फाइव पर शेयर ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइन ब्रोकरेज स्टेम्प ड्यूटी एंड एस टी टी एस टी टी क्या होता है security, की रही, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है क्या होता है कैसे होता है कितना होता है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं दो सौ रुपए दी बात खत्म होगी परचेज के समय सारी चीजें हमें ज्ञात हैं एड की जाती है एक जनवरी को आपने खरीदा था इकतीस मार्च आ गई शेयर ऑफ वाइज लिमिटेड वर ट्रेडेड एट हंड्रेड एंड टेन पर शेयर ट्रेडेड एट हंड्रेड टेन पर शेयर का मतलब क्या है जी मार्केट प्राइस दे दिया क्वेश्चन कहता एट वट वैल्यू द इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन तो हमसे बेसिकली पूछ रहे हैं कितने रुपए पर आप वैल्यू करोगे इसे यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन ने क्या कहीं पर आपको ये बताया कि हमारी इंटेंशन क्या थी जब एम वाई लिमिटेड ने परचेज किया तो उसकी इंटेंशन क्या थी क्या शॉर्ट टर्म थी या लॉन्ग टर्म थी जिन्हें हमें कहीं पर भी नहीं बताया तो हम दोनों तरह से करके बता देंगे कि यार इतने कॉस्ट है इतना मार्केट प्राइस है अगर आप इसको करंट मानो तो ऐसा होगा नॉन करंट मानो तो ऐसा होगा बहुत ही आसान सा प्रश्न है अंजाम दे देंगे आंसर नंबर कर रहे हैं थर्टीन अकाउंट वगैरह तो नहीं बना रहे फिर भी अगर लिखना चाहें किसकी बुक्स हैं तो हम बता सकते हैं ये बुक्स हैं एम वाई लिमिटेड की स्क्रिप्ट क्या है स्क्रिप्ट क्या है इक्विटी शेयर्स ऑफ वाईजेड लिमिटेड क्या लिया है आपने इक्विटी शेयर्स ऑफ इजेड लिमिटेड ये लिया है जी इन्होंने तो इसके बारे में हमें बातचीत करनी है क्वेश्चन ने कहा है वैल्यूएशन बताओ वैल्यूएशन से पहले हमें चाहिए कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक तो है परचेज प्राइस वन परचेज प्राइस क्वेश्चन ने कहा कि भाई 200 शेयर्स हैं आपने खरीदे एक रुपए के हिसाब से तो 200 सौ गुना एक सौ पांच इक्कीस हजार रुपए तो ये हो गया साथ में कहते ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी वगैरह दिया तो प्लस ओहो हो हो ब्रोकरेज कॉमस स्टैंप ड्यूटी एस टी टी किन रुपए दिया दो रुपए दिया मतलब कि टोटल हो गया एदा इक्की हजार दो सौ रुपये इतने रुपए का आपने परचेज किया और अब हमें देखना है इसकी मार्केट वैल्यू अब हमें देखना है इसका मार्केट वैल्यू ये कॉस्ट कब की है जब आपने खरीदा किस तारीख को खरीदा था एक जनवरी जीरो नो और मार्केट वैल्यू देख रहे हैं इकतीस मार्च जीरो नो को सो देट वी कैन नो कि बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर लेकर जाना है दो शेयर है बेटा क्वेश्चन कहता आपके ना इकतीस मार्च को एक सौ रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं 200 सो गुना एक कितना हो गया जी ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपी बाईस हजार रुपए ये तो इस स्क्रिप्ट के बारे में हमने सारी जानकारी जो ज्ञात थी वो लिख ली कि भाई इतने का खरीदा था पर मार्केट वैल्यू इसकी इतने रुपए की अपने पास पड़ी है हमें करनी है इसकी वैल्यूएशन क्वेश्चन ने पूछा एट वट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट तो यहां हेडिंग पा देते हैं जी वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इसके अंतर्गत हमारे दो हेड आ जाएंगे वन एज्यूमिंग करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा एज्यूमिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ये आ गया जी एज्यूमिंग करंट इन्वेस्टमेंट और यहां आ गया एज्यूमिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रूल लिख देते हैं अगर हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो करंट का रूल क्या होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ज लोअर कॉस्ट कितने रुपए की है भाई 21200 की जबकि मार्केट वैल्यू कितने की है बाईस की तो आंसर मिल गया 21200 रुपए अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो रूल क्या होता है वैल्यू एट कॉस्ट इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करते हैं मार्केट प्राइस पर नहीं करते सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है कि अगर आपका परमानेंट टाइप का रिडक्शन एक्सेट्रा हो गया लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस लॉसेज हो रहे हैं कैश करेंस आ गया है तब की बात होती है वो हम एस नंबर थर्टीन में पढ़ेंगे यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो वैल्यू एट कॉस्ट कॉस्ट कितनी है इक्कीस हजार दो की तो ये भी इक्कीस हजार दो सौ पर ही वैल्यू हो जाएगा दोनों केस में ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुप अगर एग्जाम में भी आ जाए क्वेश्चन ना बताए कि करंट है कि लॉन्ग टर्म है तो आपने दोनों तरह से एज्यूम करते हुए उत्तर लिखाना कर लीजिए नोट चलिए बेटा आई होप ये हो गया नोट बढ़ते हैं आगे तो हमारा एक तरह से यहां तक मैं कह कि हमारा चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया जी FIBS, अब हम बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट पर आ रहे हैं जिसका नाम है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज कुछ चीजें तो सेम रहेंगी जो बेसिक्स हमने सीखे लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए न्यू होंगी जो डिफरेंट होंगी तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर ट्वेल्व वी आई बी एस अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स वी आई बी एस अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स जब एफ आई बी एस स्टार्ट किया था तो वहां पर भी एक ऐसा ही हमने कॉन्सेप्ट किया था जहां पर सारे बेसिक सीखे थे यहां पर भी एक ऐसा ही काम करने की कोशिश की जो भी बेसिक्स हैं कुछ चीजें है जो कि महत्वपूर्ण है बेसिक है फंडामेंटल है उसको यहीं पर सीख ले वी आई बी एस अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स क्या होता है वी आई जैसे कि नाम से फुल फॉर्म होता है वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज स्क्रिप्ट यानी कि ऐसे सिक्योरिटी जहां से वेरिएबल इनकम आती है एफ होता था ऐसे सिक्योरिटी जहां से फिक्स इनकम आती है जैसे कि डिबेंचर जैसे कि बॉन्ड जैसे कि लोन हमने कह दिया अब बारह परसेंट डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट फिक्स है भाई बारह परसेंट ही आएगा टाइमिंग भी फिक्स है लेकिन वेरिएबल इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट जैसे कि इक्विटी शेयर जैसे कि इक्विटी शेयर क्या आपको पता है कितना डिविडेंट देना है कितना डिविडेंड मिलेगा नहीं पता एजीएम में जाकर फाइनलाइज होता है हर साल डिफरेंट हो सकता है पिछले साल दस परसेंट मिला था तो इस साल आठ परसेंट बारह चौदह पंद्रह भी मिल सकता है हो ये भी हो सकता है कि ना मिले मतलब इनकम क्या है वेरिएबल है तो उस सिचुएशन में किस तरह से चीजों को टैकल करना है वो हम यहां पर सीखेंगे आइए सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख लेते वी आई बी एस स्टैंड फॉर वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज कह लो स्क्रिप्ट कह लो एक ही बात है वीआईबीएस स्टैंड फॉर वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट सेकेंड पॉइंट दीज रेफर टू द सिक्योरिटीज दीज रेफर टू द सिक्योरिटीज Having variable return of income. These refer to the securities having variable return of income. For example, investment in equity shares. मेरे साथ साथ बने रहे हैं। कोई बच्चा ज्यादा पीछे ना छूट जाए फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अगर कहीं छूट रहे हो तो पॉज करके पहले नोट करो और उसके बाद आगे बढ़ो ठीक है ना तो नाम के वेरिएबल इनकम बिरिंग सिक्योरिटीज जैसा कि क्लियर हो गया कि भाई ये वो वाली सिक्योरिटी है जिनसे आपको वेरिएबल रिटर्न ऑफ इनकम आएगी जैसे कि इक्विटी शेयर हो गए सर और बताइए सर इसके बारे में कुछ बताते हैं बेटा बताते हैं हमने बहुत सारे पॉइंट नोट किए हैं इसमें ठीक है टैंप ड्यूटी इज कंप्यूटेड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर वीआईबीएस का केस है स्टैंप ड्यूटी निकालनी पड़ी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर निकलेगी जब एफ कर रहे थे वहां पर हमने लिखा था स्टैंप ड्यूटी होती है किस पर फेस वैल्यू पर नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू पर लेकिन यहां ऐसा नहीं अगर चांस कभी क्वेश्चन स्टैंप ड्यूटी बोलेगा तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पर निकलेगी फेस वैल्यू क्या है शेयर की मैटर नहीं करेगा ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है मान लीजिए मैं कहता हूं दो इक्विटी शेयर है दस की फेस वैल्यू तो टोटल फेस वैल्यू की बीस की लेकिन मैंने खरीदा इसे चौबीस हजार रुपए में चौबीस हजार रुपए के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी निकलेगी एक तो ये वाली चीज याद रखनी दूसरा ओनली वेटेड एवरेज मेथड इज एप्लीकेबल ओनली वेटेड एवरेज मेथड इज एप्लीकेबल ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉट दी मतलब FIFO तो लगेगा ही नहीं जब एफ मेथड वेटेड एवरेज कर रहे थे FIFO, method, आ गया, तो आप उसके हिसाब से भी कर पाए लेकिन वीआईबीएस में रोल बिल्कुल डिफरेंट है यहां फीफो लगता ही नहीं एक्सेप्शन के तौर पर भी नहीं यहां पर सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड ही चलता है जैसे ही आपके पास कुछ पुराने शेयर थे कुछ नए शेयर लिए आपने तो उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है आप कह रहे हैं मेरे पास पुराने हजार थे नए 500 लिए तो टोटल अब 1500 हो गए हैं अगर आपने 200 बेचे तो हम ये नहीं कहेंगे कि पुराने वाले 1000 में से बेचे ना हम कहेंगे टोटल 1500 है इसमें से 200 बिके तो यहां पर हमेशा ही वेटेड एवरेज मेथड एप्लीकेबल होता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताते हैं आपको देयर इज ओके देयर इज नहीं नो कंप्यूटेशन ऑफ डिडेंड इज मेड लिखेंगे आराम से पहले नो कंप्यूटेशन इज डिविडेंड इज नो कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ट्रांजेक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे एज इज डन फॉर इंटरेस्ट

डिडेंड इज नॉट फिक्सड हम जब भी वहां पर परचेज या सेल ट्रांजेक्शन होती थी क्या करते सबसे पहले इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते थे फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों क्योंकि इंटरेस्ट का रेट पता होता था यहां पर क्या डिविडेंड का रेट पता है जी नहीं पता करंट क्या चल रहा है मान लो मैंने एक जुलाई को किसी पार्टी से शेयर खरीद लिए कितना डिविडेंड का पैसा दू उसे कैसे निकालू क्योंकि डिविडेंड का रेट तो सेम है ही नहीं हर साल बदलता जा रहा है और यह भी पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर में डिविडेंड ना ही मिले तो हम कैसे कंप्यूट करते तो यहां पर वो वो जो हर में वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनता था यहां वो वाला काम नहीं होगा सिर्फ इंटरेस्ट के केस में हो सकता है एफ आई बी एस केस में क्योंकि वहां पर फिक्स होता है इंटरेस्ट रेट जबकि यहां पर डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है नाम ही क्या वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी तो वो वाला काम नहीं करना ठीक है ना ये भी हो गया और बढ़ते हैं आगे ठीक है फॉर्मेट एक बार देखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स वहां पर क्या लिखते थे तीसरा कॉलम एफ आई बी एस के केस में नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू लेकिन यहां पर क्या लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर फेस वैल्यू की बजाय हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स लिखते जाइए मेरे साथ साथ ई बी एस में एक मेन रीजन क्या होता था फेस वैल्यू क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करते थे तो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एज इट इज पड़ी होती थी उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेते थे परसेंटेज लगाकर इंटरेस्ट का लेकिन यहाँ पर तो वो काम है ही नहीं तो यहां पर हम नंबर ऑफ शेयर लेकर चलते हैं देन फेस वैल्यू उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है जी डिविडेंड डिविडेंड्लीग इनकम डिविडेंड भी कह सकते हो इनकम भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं और लास्ट कॉलम आ गया अमाउंट का सिमिलरली द कॉलम्स आर रिपीटेड ऑन द क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड ऑफ लीग इनकम और लास्ट कॉलम आ गया जी अमाउंट लास्ट कॉलम आ गया अमाउंट का क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती हैं देयर कैन बी ओपनिंग बैलेंस सो वी विल से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नंबर ऑफ शेयर आ गया अमाउंट आ गया हम कह सकते हैं आपने परचेज कर लिया तो टू बैंक परचेज हो गया शेयर परचेज कर लिए अमाउंट आ गया यह भी हो सकता है कि आपको कुछ बोनस शेयर मिल गए हो तो टू बोनस सिर्फ नंबर ऑफ शेयर आएंगे पैसा तो कोई जाता नहीं इस सब का अलग कॉन्सेप्ट हम करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है हो सकता है आपको राइट right शेयर मिल गए तो टू बैंक परचेज में ब्रैकेट में लिख देता हूं राइट शेयर कंपनी आपको सस्ते दाम पर शेयर दे देती है यह भी हो सकता है क्रेडिट साइड की बात करूं तो देयर कैन बी बाय बैंक सेल हो सकता है आप शेयर सेल करें तो शेयर में आ गया अमाउंट में आ गया बाय बैंक डिविडेंड मिल सकता है यहां पर स्पेशल पॉइंट है डिविडेंड नॉर्मली तो डिविडेंड कॉलम में आएगा लेकिन अमाउंट कॉलम में भी आ सकता है कब आ सकता है क्यों आ सकता है कैसे आ सकता है उसके लिए इंतजार करना होगा उसका अलग से कॉन्सेप्ट है हम यहां पर उसको नहीं बताना चाहते उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल <clears throat> जब सेल करोगे प्रॉफिट हुआ तो टू एल प्रॉफिट ऑन सेल जैसे एफ आई बी एस में होता था सेल किया लॉस आ गया तो बाय पीएल लॉस ऑन सेल सेल किया तो लॉस हुआ बाय पीएल लॉस ऑन सेल ये भी हो सकता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे तो लॉस ऑन रिवैल्युएशन भी हो सकता है जो अंत में होता है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय लॉस ऑन रीवैल्युएशन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल और अंत में क्या बचेगा बाय बैलेंस डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस डाउन नंबर ऑफ शेयर में वैल्यू आएगी और अमाउंट कॉलम में आएगी नॉर्मली ये क्या होगा जी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा दीज शेल बी बैलेंसिंग फिगर्स और यहां पर भी जब आप टोटल कर लेंगे जैसे वहां पर इंटरेस्ट कॉलम होता था यहां पर आपका डिविडेंड यानी कि इनकम कॉलम है जिसे आप कहेंगे टू पी एंड एल ट्रांसफर आपने इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड के अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी एक बार इसे आराम से नोट करिए फिर आगे बातचीत चलिए आई होप इट हैज बिन नोटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया हमने इस हर एक चीज के ऊपर अलग अलग कॉन्सेप्ट है बोनस क्या होता है कैसे रिकॉर्डिंग करने राइट right शेयर क्या है डिविडेंड किस तरह से रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट लॉस वेटेड एवरेज से किस तरह निकलेगा वो सभी के अलग अलग कॉन्सेप्ट है बेसिक्स कर रहे हैं तो हमने कुछ कुछ चीजें सीख ली मैं वापस से याद दिला दू आपको वेरिएबल इनकम की बात कर रहे हैं इसमें मेनली इक्विटी शेयर ही आएंगे स्टैंप ड्यूटी का पॉइंट सीखा हमने ट्रांजेक्शन वैल्यू पर कंप्यूट करा नॉट ऑन ओनली फेस वैल्यू सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड लगेगा फीफो यहां पर नहीं लगता है और जैसे कि सबसे मेजर बात तो ये कि जब हम एफ करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सचेंज होता है पार्टीज के बीच में अगर आप परचेज करें तो आप पे करते हैं इंटरेस्ट सेल कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा मतलब परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन में बार बार आपको डिविडेंड की कंप्यूटेशन नहीं करनी है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो इसका पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट नंबर ये हमारा ट्वेल्व हो गया तो वी आर नाउ टू कॉन्सेप्ट नंबर थर्टीन लिखिए जी कॉन्सेप्ट नंबर थर्टीन वी आई बी एस बोनस इशू वेरिएबल इनकम बेरिंग स्क्रिप्ट में देख रहे हैं कि बोनस इशू का क्या इंपैक्ट रहता है और इसको किस तरह से हमें ट्रीट जो है करना होगा सबसे पहले जैसा कि हम अक्सर करते हैं समझ लेते हैं क्या है उसके बाद लिखेंगे पहले थियोरेटिकली समझ लेते हैं बोनस इशू का मतलब क्या होता है जी इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स शेयर होल्डर क्या क्या, क्या सर दोबारा बोलना जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो एग्जिस्टिंग एक इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फ्री में कुछ शेयर दे देती है सर सर कंपनी ऐसा क्यों करेगी सर फ्री में शेयर क्यों देगी कंपनी को पैसा तो लेना चाहिए डेफिनेटली लेना चाहिए लेकिन हुआ क्या है मान लो कंपनी के पास रिजर्व्स एक्सेट्रा बहुत ज्यादा पड़े हैं रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा बहुत सारा पड़ा है अब जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं जरूरी नहीं है कि उतने रुपए का आपके पास बैंक बैलेंस ही पड़ा हो वो सिर्फ एक बुक फिगर होती है रिजर्व एंड सरप्लस की तो कंपनी के पास इतना सारा रिजर्व पड़ा है और नॉर्मली शेयर होल्डर को क्या लगता है कि इतना सारा पैसा कंपनी के पास पड़ा है तो कंपनी आगे इसको इन्वेस्ट करेगी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में तो हमें डिविडेंड आएगा बहुत सारा लेकिन मानो कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स है ही नहीं पैसा तो पड़ा है रिजर्व सरप्लस में पड़ा है लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है तो कंपनी को भी यह पता है कि शेयर होल्डर के माइंड में ऐसा चल रहा है कि हम कल को इस पैसे को यूज करेंगे रिटर्न आएगी और उसमें से अच्छा डिविडेंड शेयर होल्डर को देंगे जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है कंपनी को यह पता है तो कंपनी कहती है यार शेयर होल्डर मेरा एक्सपेक्टेशन है बैठा है इससे अच्छे हम इस रिजर्व सरप्लस को खत्म कर देते हैं और शेयर होल्डर के काम ही आ जाएगा नॉर्मली जब कंपनी बोनस शेयर इशू कंपनी जब शेयर इशू करती है तो एंट्री क्या डालती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लेकिन यहां पर शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है लेकिन बदले में बैंक नहीं आ रहा तो कंपनी बदले में क्या करती है डेबिट कर देती है अपने रिजर्व सरप्लस को तो जैसे ही आपने रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट किया तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कम हो गया क्योंकि रिजर्व सरप्लस का बैलेंस तो क्रेडिट होता है आपने जैसे ही डेबिट किया तो रिजर्व सरप्लस का बैलेंस कम हो गया और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब शेयर शेयर होल्डर के पास पहुंच गए क्या शेयर होल्डर ने कोई पैसा दिया जी नहीं लेकिन क्या शेयर मिले शेयर होल्डर को जी हाँ बिना पैसे दिए आपको शेयर मिल गए इसे कहते हैं बोनस इशू बोनस इशू सवाल उठा क्या ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए द आंसर इज यस क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आपका नंबर ऑफ शेयर का कॉलम भी होता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर तो बढ़े ही हैं तो डेबिट साइड पर हमें इसको लिखना होगा लेकिन मजे की बात यह कि अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आता क्योंकि ये शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं तो ये है भैया बोनस इशू की बातचीत और कंपनी ने जरा वापस से एंट्री सोचो मैंने बोला रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बोनस का चैप्टर है वहां पर अलग से डिटेल में बात की जाती है रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हुआ टू शेयर कैपिटल मतलब आपने अपने सरप्लस को यूज करके क्या कर दिया कैपिटल बना दिया तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम एक और है फेमस कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स की आपने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया यानी कि आपने अपने प्रॉफिट्स को शेयर कैपिटल में तब्दील कर दिया आई लिखते हैं लिखते हैं इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट बोनस इशू मींस इशू ऑफ शेयर्स मीन्स इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस इश्यू मीन्स इश्यू ऑफ शेयर बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये आई जी मजे की बात की फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं second point as the investor is not paying anything investor a shareholder as the investor is not paying anything so ड एनी एंट्री नॉर्मली आप जब परचेज करते हो तो एंट्री अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लेकिन यहां तो आपने कुछ पे ही नहीं किया तो आप कोई एंट्री पास ही नहीं करते हिट डजेंट पास एनी एंट्री एंड नो अमाउंट इज एंटर्ड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखते एज द इन्वेस्टर इज नॉट पिंग एनीथिंग सो हिट डजेंट पास एनी एंट्री एंड नो अमाउंट इज एंटर्ड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे आगे हाउ एवर एज द शेयर हैव बीन इशूड हाउ एवर As the shares have been issued by the company and received by the investor. However, as the shares have been issued by the company and received by the investor, so this is recorded in investment account so this is recorded in investment account this is recorded ka matlab ki jo number of share mile hain use to bhaiya record obviously kiya hi jayega paise nahi diye wo alag baat hai entry नहीं कर रहे लेकिन number of share तो बड़े हैं ना ये तो sure है तो record तो हम करेंगे कैसे record किया जाता है वो भी बता देते हैं तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे डेबिट साइड पर लिखते हैं डेट पर्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर्स, इनकम का कॉलम और अमाउंट तो यहां पर हम कहेंगे टू बोनस शेयर्स या टू बोनस इशू नंबर ऑफ शेयर में आप जितने शेयर आपको मिले वो लिखेंगे अमाउंट कॉलम में लेकिन कुछ भी नहीं आएगा इनकम कॉलम का तो सवाल ही नहीं उठता मैंने वैसे ही बना दिया कि डेबिट साइड पूरी बना रहे हैं इनकम कॉलम का काम सिर्फ क्रेडिट साइड पर है जब डिविडेंड आपको मिलते है अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर में एंट्री करेंगे मतलब शेयर लिखेंगे और अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा जो मैंने एंट्री बोली थी रिजर्वेंट सरप्लस टू शेयर कैपिटल वो कौन करता है वो कंपनी करती है ना कि शेयर होल्डर करता है लिखिए इसको फिर तो आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा पॉइंट लिखना है मुझे एज द कंपनी यूजेज एज द कंपनी यूजेज इट्स रिजर्व एंड सरप्लस एज द कंपनी यूजेज इट्स रिजर्व एंड सरप्लस फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर एज द कंपनी यूजेस इट्स रिजर्व इन सर्पलस फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इस कॉन्सेप्ट को बोनस शेयर को बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है जब आप लॉ पढ़ेंगे कंपनी लॉ वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई स्टेट द लॉ अबाउट द शेयर क्या कंडीशन एक्सेट्रा तो वहां पर कई बार ये क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी पूछ लिया जाता है ओके okay, एक चीज और बता देते हैं आपको कि जब हमने ये पूरा फॉर्मेट तो सीखा लेकिन साथ में एक ध्यान देने की बात ये है कि जो डिविडेंड और इनकम वाला कॉलम है ये वाला कॉलम आप सिर्फ तभी बनाओ अगर क्वेश्चन में डिविडेंड है अगर क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है तो ये वाला कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि हम अभी बोनस वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो जो इसके क्वेश्चन होंगे ना उसमें सिर्फ बोनस के बारे में ही बताया होगा डिविडेंड वगैरह की बात ही नहीं है फिर राइट शेयर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे वहां पर भी डिविडेंड वगैरह के बारे में नहीं बताता तो हमें वो कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है तो यहां पर मैं लिख देता हूं सो देट हमारे पास एक रिकॉर्डिंग हो जाए एटलीस्ट प्रिपेयर द Column of dividend oblique income only if prepare the column of dividend oblique income only if question has the data only if question has the data with respect to dividend. ना? जब एफ आई बी एस करते थे तब ये चॉइस हमारे पास नहीं थी क्योंकि यार इंटरेस्ट के बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं इंटरेस्ट तो होता ही था ना हर परचेज की ट्रांजेक्शन में हर सेल की ट्रांजेक्शन में होता ही था लेकिन यहां पॉसिबिलिटी है कि डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन कुछ कहे ही ना तो अगर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा तो आपको वो कॉलम बनाना ही नहीं है क्योंकि अगर बना भी लोगे तो क्या करोगे डेबिट साइड में भी ब्लैंक पड़ा रहेगा क्रेडिट साइड में भी ब्लैंक पड़ा रहेगा तो उसका कोई यूज नहीं है लिख लीजिए इसे मेरे ख्याल से आज बातचीत काफी हो गई है हम इससे संबंधित और समय भी हो गया हमारे लेक्चर का तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम सेशन में करेंगे, और, इस वी में और आगे बढ़ेंगे बोनस का, करेंगे, राइट का, और का भी हम कल स्टार्ट जो है कर देंगे आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों ध्यान रखिए होमवर्क में क्वेश्चन कीजिए कुछ पुराना पेंडिंग को कर लीजिए मुलाकात आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए